वेलकम टू माय चैनल फार्म नॉलेज वर्ल्ड। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है एचएमपी शंट। जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है आपका हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पैथवे, ठीक है। इसको हम पेंटोस फॉस्फेट पैथवे या फिर फॉस्फो ग्लूकोनेट पैथवे भी कहते हैं। एचएमपी शंट जो होता है वो अल्टरनेटिव पैथवे होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, जिसको कि हम टीसीए साइकिल भी बोलते हैं, के लिए, जिसमें कि आपका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। इसमें मेनली आपकी एनएडीपीएच और पेंटोजिस का फॉर्मेशन होता है, मतलब उसकी बायोसिंथेसिस होती है। और ये एचएमपी शंट के जितने एंजाइम होते हैं जो कि इस प्रोसेस को कैरड आउट करते हैं वो आपके साइटोसोल में लोकेटेड होते हैं। टिश्यूज जैसे कि आपके लिवर, एडिपोज टिश्यू, एड्रिनल ग्लैंड्स, एरिथ्रोसाइट्स, टेस्टिस और लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं, वहाँ पे एचएमपी शंट जो होता है वो हाईली एक्टिव होता है। जो एचएमपी शंट में रिएक्शंस होते हैं उनको बेसिकली दो फेज में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑक्सीडेटिव फेज, जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से आपका कन्वर्जन होता है, इसमें के अंदर कई स्टेप्स होते हैं और फाइनल प्रोडक्ट आपको राइबुलोज 5-फॉस्फेट फॉर्म होता है। और जो नॉन ऑक्सीडेटिव फेज होता है उसमें आपका 3, 4, 5 और 7 कार्बन मोनोऑक्साइड का इंटर कन्वर्जन होता है, ठीक है। चलिए पूरे साइकिल को अब हम देखते हैं। ये आपका एचएमपी शंट का पूरा साइकिल है। ये स्टार्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से, जहां पे आपके ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं और यहां पे 6-NADPH मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। और उसके साथ ही ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो होता है वो 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि वाटर के साथ आपका वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलिसिस करके आपका 6-फॉस्फोग्लूकोनेट बनाता है। फर्दर यहाँ पे फिर आपका डिहाइड्रोजिनेशन होता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से, जहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होता है और फिर आपका 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है और 6-फॉस्फोग्लूकोनेट जो होता है वो आपको राइबुलोज 5-फॉस्फेट देता है। तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है वो आपका ऑक्सीडेटिव फेज होता है एचएमपी शंट का, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका नॉन ऑक्सीडेटिव फेज, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे आपको कीटो आइसोमरेज और एपिमरेज एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, जो कि राइबुलोज 5-फॉस्फेट से आपके दो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, जाइलुलोज 5-फॉस्फेट और राइबोज 5-फॉस्फेट। तो यहाँ पे जो ये जो राइबोज 5-फॉस्फेट और जाइलुलोज 5-फॉस्फेट होता है वो फर्दर ट्रांस कीटोलेज की एंजाइम्स की प्रेजेंस में आपका कन्वर्ट हो जाता है सीटो हेप्टुलोज 7-फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, ठीक। फिर ये फर्दर दोनों ट्रांस एल्डोलोज के प्रेजेंस में एरिथ्रो 4-फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट होता है आपका फर्दर फॉर्म करता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट और ये साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है। उसी तरह ये जो एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट आपका फॉर्म हुआ है और जाइलोज 5-फॉस्फेट जो फॉर्म होता है वो दोनों आपके ट्रांस कीटोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में आपके फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ से फिर आपका ग्लाइकोलाइसिस का रिवर्सिबल ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल स्टार्ट होता है। और यहाँ पे ये जो फ्रक्टोज 5-फॉस्फेट होते हैं फर्दर आपके ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं और इस तरह से ये प्रोसेस आपका साइटोसोल में जो जहाँ पे एचएमपी शंट प्रोमिनेंट होता है वहां पे सर्कुलेट होता रहता है। एचएमपी शंट बेसिकली दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पेंटोज और एनएडीपीएच। तो ये जो पेंटोज होता है और उसके डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो आपके न्यूक्लिक एसिड आरएनए डीएनए के सिंथेसिस में यूज होते हैं, साथ ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जैसे कि एटीपी, एनएडीपीएच, एफएडी, कोएंजाइम, इन सबके सिंथेसिस में भी काफी यूजफुल होते हैं। सेकेंड आपका मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो है एनएडीपीएच। ये आपको मेनली रिक्वायर्ड होता है फैटी एसिड और स्टेरॉइड के रिडक्टिव बायोसिंथेसिस के लिए। उसके अलावा ये आपको कुछ एमिनो एसिड्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रिनेज, उनके सिंथेसिस के लिए यूज होता है। उसके अलावा जो एनएडीपीएच है वो आपको रिड्यूस
ग्लूथायोन का फॉर्मेशन करते हैं उसके ऑक्सीडाइज फॉर्म से, और ये जो ग्लूथायोन होता है वो आपको डिटॉक्सिफाई करता है H2O2 को, क्योंकि ये H2O2 आपके लिविंग सेल से कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और ये केमिकली डैमेज कर सकते हैं अनसैचुरेटेड लिपिड्स, प्रोटीन्स और डीएनए को। तो NADPH क्या करता है कि ग्लूकाथायोन को उसके ऑक्सीडाइज स्टेट से रिड्यूस स्टेट में लेके आके आपको H2O2 को डिटॉक्सिफाई कर देता है। जो माइक्रोसोमल काइटोक्रोम P450 सिस्टम होता है जो कि लिवर में प्रेजेंट होता है, ये आपको बहुत सारे ड्रग्स के डिटॉक्सिफिकेशन और जो फॉरेन कंपाउंड्स होते हैं उनके एलिमिनेशन में, जो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन होता है उसमें आपका NADPH का यूज होता है। NADPH उसके अलावा आपको फैगोसाइटोसिस, जिसमें कि जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनका इनगल्फमेंट होता है, उसके इस प्रोसेस में भी रिक्वायर्ड होते हैं। और NADPH आपको एरिथ्रोसाइट्स में जो रिड्यूस ग्लूथायोन का जो कंसेंट्रेशन होता है उसको मेंटेन करते हैं, जो कि आपको बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है RBC मेम्ब्रेन के इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए। NADPH आपको फेरस आयरन का जो होता है, फेरस आयरन जो कि हेमोग्लोबिन में होता है, उसको रिड्यूस स्टेट में रखते हैं, जिसकी वजह से मिथानोग्लोबिन जो होता है उसका एक्युमुलेशन नहीं होता है। तो ये था अबाउट आपका HMP शंट और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।